Hey guys, welcome back to my YouTube channel, It is Sacred. Today's topic is related to darkened elbows and knees, how to get rid of them. Let's start and wash till end. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। सो ट्रिक नंबर वन फॉर डार्कन एल्बोज एंड नीज, लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो फर्स्ट मैंने बेकिंग सोडा लिया है और लेमन को लिया है और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैं मिक्स कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और सॉफ्ट स्किन देगा आफ्टर स्क्रबिंग। ऑयल इसे डार्केन एल्बोज पे, नीज पे, फीट पे, फिंगर्स पे अप्लाई करना है और डोंट डू हार्श स्क्रबिंग, दैट वॉन्ट बी गुड फॉर योर स्किन। सो अप्लाई इट वेरी जेंटली। इसे आपको अपने स्किन पे 10 मिनट्स के लिए लीव इन रखना है, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, अदरवाइज वार्म वाटर से लाइक लूक वार्म वाटर, एंड अप्लाई सम मॉइस्चराइजर और कोकोनट ऑयल आफ्टर वॉशिंग दिस। आपको इसे वीक में एक बार अप्लाई करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्कन एल्बोज है और नीज हैं तो इसे वीक में दो बार अप्लाई करें और ज़्यादा हार्शफुली स्क्रब ना करें बिकॉज ये आपके स्किन को बहुत अच्छा वो नहीं देगा। डू इट वेरी स्लोली। मैं आपको एल्बोज पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे अप्लाई करना है। यू कैन सी हियर आई एम गोना अप्लाई ऑन माई एल्बोज वेरी जेंटली, दैट्स ऑल। एंटिक नंबर टू, दिस इज बेस्ट। इसमें भी मैंने लिया है बेकिंग सोडा, इसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी होती है और मैंने लिया है वाइट शुगर। ये आपको इक्वल अमाउंट में लेना है, हाफ बेकिंग सोडा हाफ वाइट शुगर, एंड थर्ड वन हनी। हनी गिव्स यू अ वेरी स्मूथ स्किन एंड इट इज़ एंटी बैक्टीरियल। एंड वी हैव टू मिक्स द टी ट्री ऑयल। ये रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को कम करता है और ये एक्ने स्कार्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सो टी ट्री ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर। टी ट्री ऑयल को फ्यू ड्रॉप्स लेना है, इसे अच्छे से तैयार करना है, फुल मिक्स कर लेना है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे एज अ स्क्रब कभी भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ फॉर योर फुल बॉडी और फॉर योर एल्बोज, नीज, फीट। आई एम अप्लाइंग ऑन माई एल्बोज, यू कैन सी आई एम अप स्क्रबिंग वेरी जेंटली। आफ्टर डूइंग दिस यू कैन वॉश विद ल्यूक वार्म वाटर और नॉर्मल वाटर एंड अप्लाई एनी मॉइस्चर और कोकोनट ऑयल। मैंने एक क्रीम भी बताया है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर स्क्रब। 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया है और इसमें मैं आलमंड ऑयल मिक्स करूँगी। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, बट आलमंड ऑयल इज रिच इन विटामिन ई, सो इट इज़ गुड फॉर योर स्किन। मैं 1/4 पार्ट ले रही हूँ एलोवेरा जेल का आलमंड ऑयल एंड मिक्स इट वेरी वेल। इसे मिक्स करने पे ये थोड़ा थिक सा पेस्ट तैयार हुआ है एज अ क्रीम। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं इन रेफ्रिजरेटर फॉर 1 वीक। अब इसे आफ्टर स्क्रबिंग में अप्लाई कर रही हूँ अपने हैंड्स पे, आप इसे नीज़ पे, एल्बोज़ पे और एज अ लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके फेस के लिए भी अच्छा है, आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर स्क्रबिंग। एंड मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना क्लियर ये इफ़ेक्टिवली वर्क किया है ये स्क्रब बेकिंग सोडा का। और इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।